जीवन क्या है, कई सारे वैल्यूज को जोड़ के एक पूरी शैली बनती है आपके जीवन की, जिसमें आध्यात्मिक मुद्दे भी होते हैं, सामाजिक मुद्दे भी होते हैं और पारिवारिक मुद्दे भी होते हैं। कई बार उतार चढ़ाव भी होते हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा इन मुद्दों के बारे में क्या कहते हैं, परमेश्वर की आवाज़ क्या है, परमेश्वर के वो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स क्या हैं जो हमें इन बातों के बारे में अपने जीवन को और ज़्यादा दृढ़ता और ज़्यादा सुंदरता से बनाने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। आज इन्हीं मुद्दों को परमेश्वर की नज़र से जानेंगे परमेश्वर के दास के साथ, जिनको हम सब जानते हैं, परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए दास डॉक्टर आचार्य विकास मैसी जी। आइए मिलकर के स्वागत करते हैं प्रभु के दास डॉक्टर आचार्य विकास मैसी जी का। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत थैंक यू दोबारा आपका। हम परमेश्वर का सबसे पहले धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमारे लिए, जब हम इन तमाम क्वेश्चंस को, और खाली मैं ही नहीं दर्शक भी इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढते रह जाते हैं, और परमेश्वर फिर मदद करते हैं कि हम हमारे अगुओं के पास जाएं जहां से हमें वो आंसर्स मिल सके। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके पास सब मनुष्यों के लिए योजना है और उसकी योजना में हमारे लिए लाभ और उन्नति है, और मैं विश्वास करता हूँ कि इस डिस्कशन से परमेश्वर को महिमा मिलेगी और बहुत से लोगों को आशीष और शांति भी। आमीन। इससे पहले कि हम शुरुआत करें, एक छोटा सा क्वेश्चन जो मेरे दिल में आया और मैं ज़रूर सोचती हूँ कि शायद कई लोग आपसे पूछना चाहते होंगे। आप परमेश्वर की इस सेवकाई में बहुत सालों से हैं और आपने कई तरीके के लोगों से मुलाकात की होगी, किस तरह से आपका जो पर्सपेक्टिव है या आपका जो कह सकते हैं कि लोगों को देखने का नज़रिया, या फिर हम सही कहें तो मिनिस्ट्री किस तरीके से इवॉल्व हुई है इतने सारे सालों में, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे या कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, ये मेरे लिए सौभाग्य रहा कि मैंने पूरे भारत की और लगभग 100 से अधिक देशों की यात्रा की, और मैं धनवानों से मिला, गरीबों से मिला, स्टूडेंट से मिला, बुज़ुर्गों से मिला। ज़िंदगी एक लंबा सफ़र रही, लगभग 22 साल की सेवा रही है, और बहुत सी बातों को मैंने नज़दीकी से देखा है और सेवा को, जीवन को, परिवार की बातों को बड़ी नज़दीकी से देखा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस इंटरव्यू के दौरान मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव और परमेश्वर का वचन आपके साथ जरूर बांटूंगा। आमीन। एक क्वेश्चन जो काफ़ी सारे लोग हैं, हमें हर एज ग्रुप का इंसान आपको देखता है, आपसे सीखता है, आपको फॉलो करता है। कई लोग ऐसे हैं जो आपके पास में डिसाइपलशिप के लिए आते हैं, कई लोग आपके पास में मेंटरशिप के लिए आते हैं। आज की डेट में एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जेंजी, जिसको हम सब बहुत ज़्यादा, एक नया वर्ड और बहुत सारे नए नए भावों के साथ यार। और जब हम बात करते हैं जीवन शैली की, तो परमेश्वर का वचन और जेंजी, आप क्या बताना चाहेंगे आज जो जेंजी आपको देख रहे होंगे? जी बिल्कुल। देखिए, अभी पिछले दिनों मैं एक मीटिंग में था और छोटे बच्चे वहाँ पर मेरे साथ थे, और मैं कहता हूँ कि इस जीवन में जब आप शुरुआत कर रहे हैं, आपकी उम्र जब बढ़ रही है, आपकी, आप जेंजी हैं, आप छोटे बच्चे हैं, बालक हैं, आप जवान धीरे धीरे हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं और संसार की सब बातों को सीख रहे हैं, उस समय मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ी जो भूमिका है वो माता पिता की भूमिका है, परिवार के अगुओं और बड़ों की भूमिका है, और साथ में ये बच्चों के लिए विशेष रूप से, जो युवा बच्चे हैं जिनको हम टीन्स भी नहीं कह सकते, हम युवा बच्चे कह सकते हैं, छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल, 8 साल, 12 साल, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जीवन की हर बात में, जीवन को समझने के लिए, चाहे वो उनकी हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, या कोई भी बात हो, उनके मन में कोई प्रश्न हो, अपने माता पिता का सहारा लें जी। क्योंकि सबसे बड़ी ब्लेसिंग उनके लिए जो है वो उनके माता पिता है। बिल्कुल। और जब हम बात करते हैं आजकल के माहौल की, चाहे एक आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, किसी भी तरीके के लोग हो, टेंशन, मेंटल स्ट्रेस कहीं ना कहीं बहुत हावी हो गया लोगों के ऊपर। लोग बोलते हैं मैं स्ट्रेस्ड हूँ, कुछ बात होती है आई एम स्ट्रेस्ड, छोटा बच्चा बोल जाता है मैं डिप्रेशन में हूँ। तो जब परमेश्वर के वचन से आपको ऐसे लोग मिलते हैं, तो आप सबसे पहले उन्हें क्या बताते हैं जो बोलते हैं मैं स्ट्रेस्ड हूँ या ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स चल रही हैं? देखिए, ये विषय बहुत बड़ा विषय है, लेकिन बाइबल में एक जगह लिखा है कि अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। जो स्ट्रेस है, जो थकान है जीवन में, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। जब हमारी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा होंगी, हमारी मतलब हर भौतिक प्रबंध को पाने की जो लालसा है, तो नो डाउट हमें स्ट्रेस होगा। आप जीवन को साधारण तरीके से जिए। प्रभु ने क्या सिखाया, आज की रोटी आज हमें दे। अगर हम आज के बारे में बात करें और बहुत अधिक भविष्य की चिंता ना करें, भविष्य के लिए कार्य करें, योजनाएं बनाएं, लेकिन बहुत अधिक चिंता ना करें। बाइबल में लिखा है धनवान होने के लिए प्रयत्न नहीं करना। जब धनवान होने की महत्वाकांक्षा आपके अंदर होगी,
तो निश्चित आपको स्ट्रेस होगा। आपको बड़ा पद पाने की लालसा होगी, आपको स्ट्रेस होगा। आपको दूसरों से आगे निकल जाने की जो है महत्वाकांक्षा होगी, आपको स्ट्रेस होगा। तो किसी को दिखाने के लिए या बहुत बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं के लिए आप मत जिए। ऑर्गेनिक, जैसे हम जब हम भोजन की बात करते हैं तो आजकल एक वर्ड है ऑर्गेनिक, प्राकृतिक तरीके से जो भोजन है, यानी कि केमिकल डाल के उसको फटाफट बड़ा कर दिया जाए। तो एक ऑर्गेनिक जीवन होगा जो परमेश्वर ने हमें शिक्षा दी है, जो संस्कार, जो मूल्य हमारे माता पिता दे रहे हैं, एक आनंद का जीवन होगा, तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। जब आपको दूसरों की चिंता होगी, आप दूसरों को अपने से बेहतर समझेंगे, आपको स्ट्रेस नहीं होगा। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, आपको स्ट्रेस नहीं होगा। जब आप सेल्फ सेंटर्ड होंगे, अपने बारे में सोचेंगे, अपनी उन्नति के बारे में सोचेंगे, दूसरों से आगे निकल जाने के बारे में सोचेंगे, आपको स्ट्रेस होगा। दिस इज अ मेन रीजन फॉर द स्ट्रेस। वेरी ट्रू। और आपने एक बहुत प्यारी बात कही, जैसे मैं हाईलाइट भी करना चाहूँगी कि दूसरों को अपने से बेहतर समझिए। हम अपने आप को ही बेहतर, सुपीरियर समझने लग जाते हैं और कॉम्प्लेक्स में कहीं ना कहीं चले जाते हैं। मेरे एक मित्र हैं जो RTO में, रोड में ट्रांसपोर्ट वर्कर हैं, तो बता रहे थे कि अधिकांश जो एक्सीडेंट होते हैं सड़क पर, जो एक्सीडेंट होते हैं वो रेस लगाने के कारण होते हैं। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से रेस लगाता है तो उनमें से एक की जो है वो दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। जिंदगी में किसी से रेस मत लगाइए। आपको मालूम है आपको कितनी रोटी चाहिए, आपका पेट कितनी रोटी चाहता है, उतनी रोटी आप खाइए, दूसरे को भी खाने दीजिए। जब आप किसी के साथ कॉम्पिटिशन करते हैं, बहुत सी समस्याएं आपके पीछे हो लेती हैं। आप दूसरों को दिखाना चाहते हैं, दूसरों से जीत जाना चाहते हैं, और आप जैसा मैंने कहा कि वो जो ऑर्गेनिक स्वाभाविक जीवन है जी। उसे छोड़कर बहुत बातों में उलझ जाते हैं, तो फिर ये तो होना ही है। बिल्कुल सही बात है। कई बार लोग कहते हैं खुशी ढूंढ रहे, आनंद ढूंढ रहे, और उसके लिए वो हॉलीडेज का प्लान करते हैं, वेकेशंस पे जाते हैं। कई लोगों को आप देखेंगे वो अपने वीकेंड्स पर अपने घर में नहीं रहते, उनको आदत ही नहीं है कि वो वीकेंड्स पे घर रहें, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे एक आम इंसान की लाइफ ऐसी होगी कि हम काम करेंगे, सैटरडे हमें खुद का टाइम चाहिए, मी टाइम चाहिए, या वो प्लेजर चाहिए, या वो आनंद कह लीजिए, खुशी चाहिए, तो वो इंसान अपना एस्केप ढूंढता है। और आज की डेट में मैंने देखा है, चाहे कोई भी शहर हो, इंसान अपना मी टाइम, अपना आनंद, कहते हैं मेरे मी टाइम में मेरा आनंद छुपा है। तो क्या बाइबल इस मी टाइम के बारे में ये बताती है कि इस मी टाइम को इस तरीके से मनाना चाहिए, या बिब्लिकली मी टाइम क्या है? देखिए, परमेश्वर आपकी रचना को जानता है। बाइबल कहती है कि उसने दिन बनाया कि मनुष्य कार्य करे और रात बनाई कि मनुष्य आराम करे जी। ठीक है, फिर हम उसमें परिवार भी देखते हैं जी। बाइबल में मैं एक उदाहरण देखता हूँ। प्रभु यीशु मसीह एक विवाह में गए। वो इस संसार में क्यों आए थे? वो तो पापियों का उद्धार करने आए थे। Correct. अपना काम करते, पापियों का उद्धार करते चले जाते। लेकिन वही यीशु मसीह अपने मित्रों के साथ, या कहें शिष्यों के साथ, बगीचे में भी हैं, विवाह में भी हैं, और जब उनका मित्र लाजर की मृत्यु हो गई तो वहां पर भी हैं जी। और ऐसे कई उदाहरण हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अलग अलग जगहों पर हमको दिखाई देते हैं। ठीक इसी तरह सोशल, मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल, ये चार डायमेंशन हैं हमारे। अगर हम सिर्फ स्पिरिचुअल या सोशल नहीं है जी। हम समाज में लोगों से नहीं मिल रहे, हम बड़े बुजुर्गों के साथ नहीं बैठते, हम अपने बच्चों के साथ घूमने नहीं जाते, या हम अपना समय अपने मित्रों को नहीं देते, तो वो हमसे क्या सीखेंगे और हम उनसे क्या सीखेंगे? करेक्ट। उन्हें हमारी जरूरत है और हमें उनकी जरूरत है, तो सोशल होना जरूरी है। बिल्कुल। वो सोशल आप किसी बगीचे में भी जाकर बैठ सकते हैं। आप आजकल आधुनिक समय है, मॉल में लोग खाना खाने जाते हैं, जाइए, क्या दिक्कत है, अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आप जाइए। करेक्ट। पर एक बात याद रखिए, इन सब बातों में परमेश्वर को महिमा मिले। और सोशल, मेंटल, आप अच्छी किताबें पढ़ें। जब आप मीन टाइम की बात कर रहे हैं जी। तो आप अच्छी किताबें पढ़ें, आप नॉलेज गेन करें, ना केवल धार्मिक, लेकिन मैं कहता हूं कि वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ें, हिस्ट्री का आनंद लें, आप विज्ञान का आनंद लें। विज्ञान की बहुत अच्छी अच्छी एनसाइक्लोपीडिया आती है जी। मेरे घर में कम से कम 20 प्रकार की एनसाइक्लोपीडिया पड़ी है। मैं कभी एरोप्लेन्स के बारे में पढ़ता हूँ, मैं कभी जो है प्रकृति के बारे में पढ़ता हूँ, और बहुत सी चीज़ों में मैं रुचि रखता हूँ। तो मीन टाइम का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप फन कैसे डिफाइन करेंगे। Correct. आप क्या शिप पे जा रहे हैं उसी को फन कहते हैं, या क्रिकेट है।
तो सोशल मेंटल फिजिकल स्पिरिचुअल उसमें कई तरीके आ जाते हैं। स्पोर्ट्स अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यू मस्ट प्ले सम काइंड ऑफ स्पोर्ट्स जिससे आप रिफ्रेश होते हैं। मुझे थोड़ा बहुत क्रिकेट और बैडमिंटन की थोड़ी, अब तो टाइम नहीं मिलता क्योंकि यात्रा इतनी है जी। लेकिन व्हेन आई वाज इन कॉलेज मैं क्रिकेट के प्रति और बैडमिंटन, और मैं बहुत अच्छा चेस भी खेलता हूँ। मैं बहुत अच्छा चेस खेलता हूँ। ओके, मैंने बड़े बड़े लोगों को चेस में हराया है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि चेस का कुछ असर है जिसकी वजह से ये शार्प है आज? देखिए मैंने कहा ना, बिल्कुल डेफिनेटली जब आप स्पोर्ट्स करते हैं तो आपकी बॉडी फिट रहती है। आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो अच्छी नॉलेज आपके अंदर आती है, संस्कार वैल्यूज आते हैं। मैं तो बहुत सी बहनों को जानता हूँ, यहाँ तक कि मेरी माता जी या मैं और भी अपने रिलेटिव्स को, जो यूट्यूब देखकर खाना बनाना सीख गए। यू नो, तो आप जब रुचि लेंगे तो बहुत बातों में, ऐसे पॉलूस कहता है कि तू सब बातों में उन्नति करे। तो आप बाइबल पढ़ें जिससे आपके जीवन में आध्यात्मिक शिक्षा होगी, आध्यात्मिक बल होगा, निर्णय लेने की शक्ति होगी। उसके साथ आप संसार में रुचि रखें, देखें संसार में क्या क्या चीज़ें, विज्ञान है, दवाइयाँ हैं आजकल जो है, हर्बल दवाइयाँ हैं, बहुत सारी मेडिसिन हैं, या होम्योपैथी है। मैं स्टडी करता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कौन सी दवाई किस में काम आती है। Correct. या स्पोर्ट्स में रुचि रखता हूँ, या वर्ल्ड की न्यूज़ में रुचि रखता हूँ। इन दोनों हमारे देश में इलेक्शन का माहौल था जी, जी, तो जी. मैंने इलेक्शन में भी रुचि रखी, भाई क्या हमारा देश किस डायरेक्शन में। तो रुचि रखना बुरा नहीं है, लेकिन हमें ये बात याद रखना है कि हमारा जीवन जो है वो ईश्वर केंद्रित हो और ईश्वर के लिए समर्पित, और हम जो कुछ करें ईश्वर को ध्यान में रखते हुए करें जी। तो कहा यह जा सकता है कि हमें हमारे आसपास जो चीजें हो रही हैं उसके बारे में जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, रुचि हर चीज, स्वास्थ्य के बारे में जागरूक होना चाहिए आपको। आज तमाम प्रकार की पढ़ाई लिखाई है, आपके बच्चे कल को आपसे पूछ सकते हैं, आप सीनियर हो, समाज के अगुवे हो, लीडर हो, आप उनसे 20 साल आगे चल रहे हो, आपसे पूछेंगे कौन सा कोर्स करूं, किस प्रकार की स्टडी करूं, लॉ क्या है, नीट का एग्जाम क्या है, आप क्या कहेंगे? कहेंगे नहीं मुझे नहीं मालूम। और अगर हम सब लोग ऐसे हो जाएंगे तो हम अगली पीढ़ी का क्या मार्गदर्शन करेंगे? तो अगर हमें समाज की, दुनिया की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो हम अपने आगे वाले वाली पीढ़ी को भी तो थोड़ा, और हेल्थ के बारे में जैसे मैंने कहा, रुचि तो सबके बारे में होनी चाहिए और गेम खेल लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्पोर्ट्स खेल लेना चाहिए। आपकी इस बात ने मुझे दोबारा से मनबल दिया और मैं ये आशा रखती हूँ कि मेरे फिजियोथेरेपिस्ट जरूर इसे देखे ताकि वो मुझे वापस रिज्यूम करने दे। बैडमिंटन खेलिए, देखिए आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल, आप 1 घंटा बैडमिंटन खेलिए और छोटे से जगह पर आप खेल सकते हो। क्रिकेट के लिए तो बहुत बड़ा मैदान चाहिए, 12 लोग चाहिए। बिल्कुल, और बैडमिंटन तो 2 लोग आप लोग खेल सकते हैं, तो जरूर आपको अच्छा लाभ मिलेगा। बिल्कुल, इसके साथ साथ मुझे एक और क्वेश्चन याद आया जब आप अभी बता रहे थे। मैंने कहा कि कई लोग आपके पास डिसाइपलशिप के लिए भी आते हैं, मेंटरशिप के लिए भी आते हैं। आज से कई साल पहले एक और लड़की आपके पास में मेंटरशिप के लिए आई थी जो अभी यहीं बैठी है, और मैं बताना चाहती हूँ दर्शकों को भी कि हाँ, मेरे जो पहले परमेश्वर में मेंटर रहे हैं जिन्होंने मुझे किस तरीके से सुसमाचार को प्रचार करना चाहिए और लोगों तक पहुँचाना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, इस बात का एहसास मुझे कराया आपने। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे अगुवे के रूप में आपको रखा। आपके पास सिर्फ हमारे ही जैसे लोग नहीं हैं बल्कि आपकी खुद की 2 बेटियां जो कि अब परमेश्वर की दया से परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ रही हैं। अब तो वो काफी बड़ी हो चुकी हैं, 15 साल exactly. और 12 साल उनकी एज है जी। तो जब आप उनको परमेश्वर के वचन के अनुसार, एक पिता की बहुत स्ट्रांग भूमिका है, और एक पिता को या जितने भी पिता इस समय आपको सुन रहे हैं उनके लिए क्या, माता पिता के लिए आपके पास वो क्या मैसेज है? क्योंकि जब बच्चे छोटे हैं तब इंटीग्रेट करना, सिखाना बहुत आसान है, उनको बोलना कि उंगली पकड़ के चलो चल सकते हैं, लेकिन जब वो एक अडोलसेंस एज बोल लीजिए या 15, 16, 18, 20 उस एज में जाते हैं तो उंगली पकड़ के चलना वो एक अलग वैल्यू है। तो उन माँ बाप के लिए आपके पास क्या संदेश है? देखिए मैं आपको बाइबल से एक विषय बताता हूँ। अगर आप एजरा की पुस्तक पढ़ें जी, तो उसके ऊपर जो भूमिका लिखी है, एजरा की पुस्तक के ऊपर जो भूमिका लिखी हुई है, वहाँ लिखा हुआ है कि एजरा परमेश्वर की व्यवस्था का कुशल ज्ञाता था। इसलिए वो परमेश्वर की व्यवस्था का कुशल ज्ञाता था, उसने इज़राइल के लोगों को संदेश दिया कि क्या सही है क्या गलत है। आज बहुत से ऐसे माता पिता हैं जिनके पास ईश्वर द्वारा यानी बाइबल में से जो संदेश निकलता है वो है ही नहीं। पिछले दिनों एक बहन मेरे पास में आई जिनकी उम्र लगभग 45 होगी, और वो उनके हस्बैंड नहीं है और उनकी बेटी है, और वो अपनी बुजुर्ग माँ के साथ मेरे पास प्रेयर करने के लिए आई थी, और बातों ही बातों में उन्होंने कन्फेस किया मुझे, ये मेरे ऑडियंस ध्यान से सुने,
वो जो बहन थी जिनकी उम्र 40-45 ईयर ओल्ड थी, उन्होंने अपनी माँ के सामने कन्फेस किया कि मेरी माँ ने, हमारी माँ ने आज तक हमें बाइबिल खोलकर नहीं पढ़ाई, हम जानते ही नहीं हैं कि बाइबिल क्या होती है, हमारे माता पिता ने कभी इसके बारे में चर्चा नहीं की, जबकि वो मसीह परिवार से थी। ये सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ डबोरा, बहुत आश्चर्य हुआ। तो अगर परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है तो आप अपने बच्चों को क्या देंगे? बिल्कुल। आप उनकी चिंता कर रहे हैं जी। आप सोच रहे हैं कि वो प्रभु में बड़े हैं, आप चाहते हैं कि उनका जीवन सुनहरा हो, प्रभु की बातों में उन्नति, पर क्या प्रभु आपके जीवन में है? बच्चे वही सीखेंगे जो आप कर रहे हैं, याद रखिएगा। अभी मैं बहुत से बच्चों को जानता हूँ जो बिल्कुल अपने माता पिता को कॉपी करते हैं जी। तो ऐसा कहते हैं, समाज में ऐसा कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो माता पिता का आईना है। बिल्कुल। तो बच्चों को हम बाद में देखें पकड़ें, पहले माता पिता को देखें और पकड़ें। क्या माता पिता जो है वो ईश्वर केंद्रित है? ये बड़ा सवाल है। वेल, क्वेश्चन आपका दूसरा है तो मैं समझता हूँ आप उधर ज्यादा चाहते हैं कि मैं सीधा सीधा वहां उत्तर दूं, माता पिता की बात ना करें। बिल्कुल, बच्चों का भविष्य तो हमारे हाथों में है, ये बात अलग है। आज आधुनिक समय में जो विज्ञान का और जो इंटरनेट की युग है जी, आप कितना बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, ये एक मिस्ट्री है। आप सिखा रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर वो उस चीज को ग्रिप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप नहीं जानते उनके मन में अंदर अंदर क्या चल रहा है। आपके साथ बैठकर वो हाँ हाँ जी जी कर रहे हैं, लेकिन कितना इन्फ्लुएंस उनके मन में मीडिया का है ये वो बच्चे जानते हैं। तो सिंस मेरी भी दो बेटियां हैं, मुझे उनकी चिंता है, आप सबके भी बच्चे होंगे, आपको भी अपने बच्चों की चिंता होगी। पहली चीज जो आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं वो है कम्युनिकेशन। आप सोच रहे हैं कि बिना बात करे सब काम हो जाएगा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आप बैठिए उनके साथ डेली आधा घंटा बैठिए, या शाम के समय में, रात्रि के समय में जब प्रार्थना करने बैठे तो बैठिए, या उन्हें थोड़ा वीकेंड्स पे ले जाइए। आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है डेट का। हाँ। डेट मतलब अपने फैमिली डेट, नहीं जैसे कि लोग अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को समझाते हैं, डेट करने जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। बच्चों को लेके जाइए, टाइम स्पेंड कीजिए, पूछिए, आप उनकी पढ़ाई के बारे में पूछिए, जीवन के बारे में पूछिए, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको टफ लग रही हैं, किन चीज़ों में आपको फियर है। तो मुझे लगता है कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है एक्सपीरियंस ऑफ लव। अगर वो आपके लव को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, वो आप एक बॉसी नेचर हो और उनको हर समय आपसे एक फियर है, तो वो अपनी बात ही नहीं आपको बताएंगे। सो काइंडनेस एंड लव, बाइबल में भी लिखा है 1 Corinthians 13 में कि लव इज ग्रेटेस्ट इन ऑल। अगर आपके बच्चे प्रेम अनुभव करते हैं तो आपकी जो मेंटोरशिप है वो बहुत इजी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात। आपने बात करी काइंडनेस और लव की, और काइंडनेस और लव अगर देखा जाए हर रिश्ते की बुनियाद है। जब हम बात कर रहे थे शुरुआत में पारिवारिक वैल्यूज के, आप चाहे किसी भी परिवार को देखिए, अगर काइंडनेस और लव नहीं है परिवार खत्म। इसी के साथ में जो मेरा प्रश्न है वो भी कुछ ऐसा ही है। कई बार आप देखेंगे आप स्टेज पर हैं अगर कुछ लोग, या फिर अगर जैसे किसी ने अपने घर में किसी को बुलाया अपने फ्रेंड्स को, तो फ्रेंड्स के सामने, जमाने के सामने, तो दे आर लाइक वो दाऊद हैं, वो एस्तर हैं, वो अय्यूब हैं, मतलब ब्यूटीफुल पीपल। ऐसा लगेगा इन्हीं से ही सीखना है बस, परमेश्वर ने ये एस्तर का दूसरा रूप भेज दिया है धरती पर, ऐसा लगता है। और जब आप उनकी पर्सनल लाइफ में उनको देखते हैं तो एक ठोकर लगती, वहाँ पर जाकर के पता चलता है तो ये तो दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो जब आप उनके दिखावे को देखते, मतलब ये बिब्लिकल डेफिनेटली नहीं है दिखावा, लेकिन ये किस तरह से इंसान को खोखला कर रहा है और उसके रिश्तों को खोखला कर रहा है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो पति पत्नी का हो, एक मित्र का हो या समाज का हो, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ यही होगा जी। बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि तू अपने पड़ोसी से प्रेम कर, और प्रभु ने हमें प्रेम करके दिखाया जी। और जो उसका प्रेम है वो अनकंडीशनल, उसमें शर्तें नहीं है। तो हम यही सीखते हैं कि जिस भी रिश्ते में, अगर आप ऑफिस में काम भी करते हो जी, अगर आप अपने बॉस को रिस्पेक्ट नहीं करते हो या अपने सबऑर्डिनेट, बिल्कुल। एक चीज और बता दो, लव का एक बहुत बड़ा मीनिंग है। बिल्कुल। लव केवल एक हस्बैंड वाइफ वाला लव नहीं है, उसमें ऑनर भी है, रिस्पेक्ट भी है, केयर भी है, ये सारी चीजें लव के अंदर ही आती हैं। तो आप अपने हस्बैंड को या अपने बॉस को रिस्पेक्ट नहीं करते, या अपने पड़ोसियों को आप केयर नहीं करते, तो फिर वो इन रिश्तों का अंत यही होना है, लास्ट में यही होगा। सो
मैं ऐसा सोचता हूँ कि किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए सबसे पहले ट्रुथफुलनेस बहुत जरूरी है जी। और आप उस रिश्ते को निभाना चाहते हैं नहीं निभाना चाहते हैं, पहले तो ये आप स्वीकार कर लीजिए कितना हाँ आप उस रिश्ते को ले जाना चाहते हैं। करेक्ट। उस रिश्ते को आपको लगता है कि रिश्ता मुझसे नहीं निभेगा तो फिर वो आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और वो एक्टिंग ज्यादा देर तक तो चलेगी चलेगी नहीं। करेक्ट। तो आप ये देख लें कि उस रिश्ते की जरूरत आपको कितनी लंबी है। अगर आपको लगता है कि आप ये रिश्ते की जिम्मेदारी लाइफ लॉन्ग है तो फिर उसको निभाना सीखना ही पड़ेगा, उसको प्रेम करना सीखना पड़ेगा। बाइबिल में परमेश्वर ने हमसे रिश्ता रखा, निभाया, प्रेम किया। वो हमें छोड़ सकता था, त्याग कर सकता था, लेकिन ये रिश्ता टूट नहीं सकता। उसने अंत तक हमारे साथ रहे और उस रिश्ते को निभाया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, वहाँ प्रेम जो है, ट्रुथफुलनेस बहुत जरूरी है। बिल्कुल। उसी के द्वारा वो रिश्ता खड़ा रह सकता है। रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, उसी के द्वारा वो रिश्ता खड़ा रह सकता है। बिल्कुल। आप जैसे बता रहे हैं कि एक्टिंग किसी भी रिश्ते का अंत कर देती है। आप जो ट्रूथफुल हैं वही रहिए। एक संदेश जो आप आज जितनी भी महिलाएं या जितने भी भाई, सबसे पहले महिलाओं के लिए, अगर आपके पास आज कोई संदेश जो आप यही ट्रूथफुलनेस से रिलेटेड उनको देना चाहें, फिर हम भाइयों पे भी जाएंगे और उनके जीवन के लिए भी आपसे एक संदेश चाहेंगे। देखिए, महिलाओं का मतलब मैं इसको लिमिटेड नहीं करना चाहता कि पत्नी और पति। जी जी जी। महिलाओं में माता भी हैं, उसमें बहनें भी हैं, उसमें जिनका विवाह हुआ है वो किसी की पत्नी है या जवान बहनें हैं, स्त्रियां हैं। मैं ऐसा सोचता हूं कि सबसे पहले आप अपने निर्माण के बारे में सोचिए। व्हाई गॉड क्रिएटेड यू। कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल ये दीवार पर घड़ी लगी है जी। ये जो ऊंचाई पर जो घड़ी हमने लगाई है ऊंचाई पर, ये इसका सही स्थान है। हाँ जी। अगर आप इस घड़ी को लेकर यहाँ नीचे रख देंगे या उधर रख देंगे सो वो उसका उपयोग सही नहीं है। बिल्कुल। तो इस घड़ी का जो उपयोग है वो ये है कि इसको बनाया क्यों गया है और इसका सही स्थान क्या है। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा, एक महिला के रूप में जो आपका सवाल था उसमें सभी महिलाएं आती हैं। बिल्कुल। बहन भी आती है, माँ भी आती है, बेटी भी आती है, पत्नी भी आती है। परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया? महिला जो है वो समाज का एक बहुत बड़ा अंग है, परिवार की एक बहुत बड़ी, मैं कह सकता हूँ कि भूमिका को निभाने वाली रोल मॉडल है, कैरेक्टर है। अगर एक महिला प्रभु को प्रेम करती है तो उसके जीवन में एक बहुत बड़ी सामर्थ्य होगी। आमीन। और ये शादी के बाद नहीं, मैं कहता हूँ जब, जो आपका पहला प्रश्न था, जब बच्चे छोटे, बच्चे छोटे, वो लड़कियां, छोटी बच्चियां अपने पिता से प्रेम करना सीखती हैं, फिर अपने भाई से प्रेम करना सीखती हैं, फिर आगे चलकर उनकी शादी होती है, फिर अपने पति से प्रेम करती हैं, फिर वो पति का जो भाई है उसको भी एक्सेप्ट करती हैं, उस भाई की जो पत्नी है परिवार को, पूरे परिवार को लेकर चलती हैं। करेक्ट। कई बार हम परिवार की जो भूमिका है वो हम बस सोचते हैं कि पति, पत्नी और दो बच्चे। परिवार की जो मेरी डेफिनेशन है, हो सकता है आपकी अलग हो, किसी और की अलग हो, मेरी जो डेफिनेशन है वो आपके माता पिता से शुरू होती है जी। अगर मैं अपने माता पिता को नहीं देख सकता, संभाल सकता, तो फिर परिवार का अर्थ क्या होगा? परिवार का मतलब माता पिता, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा भाई, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, मेरी बहन, उनके पति, उनके बच्चे जी। कम से कम ये जो बिल्कुल ब्लड लाइन है हाँ। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। फिर उस महिला की जिम्मेदारी है कि वो उस परिवार को कैसे बनाकर रखे। करेक्ट। क्योंकि आप विवाह होकर एक परिवार में आए हो या आप बेटी हो, एक बड़ी भूमिका है आपकी। Very true. ये कोई साधारण सी बात नहीं। तो परमेश्वर ने वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन कहता है कि वो महिला जो है वो एक सहायक है। Correct. एक बहुत बड़ा हेल्पफुल, मैं कह सकता हूँ, कैरेक्टर है और वो गॉड्स डिजाइन कैरेक्टर है। करेक्ट। आप समझ रहे हैं, बनाई ही ऐसी गई। परमेश्वर ने उसको वो क्षमता, वो योग्यता दी है। तो कल को वो किसी की बीवी होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, बहुत सारे रोल उसके होंगे। बिल्कुल। और अगर वो स्त्री के अंदर वास्तव में प्रेम है और वो परिवार को लेकर चलती है तो बहुत स्वर्ग हो जाएगा, मैं कहता हूँ। बड़ी आनंद होगी, बड़ी आशीष होगी, बहुत ही आनंदमय परिवार होगा। इसके साथ साथ एक संदेश भाइयों के लिए, क्योंकि भाइयों की भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है लाइफ में। देखिए जबोरा, एक बात मैं आपको बताता हूँ, आज महंगाई का जमाना है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो पुरुष है जी, वो एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। बिल्कुल। अपने परिवार को
पालने के, पालने के। बिल्कुल बिल्कुल सच। और ये बात पुरुष जानता है। बिल्कुल। ऐसा कई बार हम सुनते हैं, देखते हैं कि माँ जो है वो बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, लेकिन पिता सारी जिंदगी उसको अपने दिमाग में रखता है। ये आपने बिल्कुल वही बात बोली है, बिल्कुल। माँ सोचती है कि बच्चा अभी क्या खाएगा, करेक्ट, और पिता सोचता है कि सारी जिंदगी क्या खाएगा, सारी जिंदगी क्या खाएगा और कैसे खाएगा, कितना डी। तो जैसा हमने महिलाओं के लिए बात की कि घर की बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, घर को संभालना, परिवार को संभालना, लेकिन पिता की जो भूमिका है या पुरुष की जो भूमिका है वो कम नहीं है। बिल्कुल। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने पुरुष को आज्ञा दी कि तू इस भूमि की उपज को खाएगा, तू मेहनत करेगा। बिल्कुल। परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति में। तो सबसे पहले मेरा संदेश तो भाई, जितने भी पुरुष हैं, चाहे आप छोटी नौकरी करते हैं या आप एक बिजनेसमैन हैं, बिल्कुल कोई भी हो, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रेज गॉड, यस। क्योंकि आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। आप 10 लोगों का पेट भर रहे हैं। वेरी ट्रू। 10 लोगों का पेट भर रहे हैं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं, एक जिम्मेदारी के पद पर बैठे। देखिए, आप जहाज में यात्रा करते हैं तो पीछे की तरफ स्टूवर्ड्स होते हैं जो आपको खाना सर्व जी, करते हैं, जी, जी। लेकिन आगे एक पायलट बैठा होता है। हाँ जी। आप जानते हैं उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है? बहुत सारी। उसका एक गलत निर्णय पूरा जहाज नीचे। वेरी ट्रू। ठीक इसी तरह पुरुषों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी। उन्हें घर देखना है, परिवार चलाना है, EMIs भरनी है, गाड़ी की, घर की, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, घर में रोटी चावल लेकर आना है, बिजली का बिल भरना है। जैसा मैंने कहा था कि आज महंगाई का जमाना है जी। तो मेरा संदेश यह है कि आप हिम्मत ना हारें, आप बढ़ते चलें, मेहनत करें, जो प्रभु ने हमसे कहा है हमें मेहनत करनी है, और मेहनत करें। निश्चित परमेश्वर वचन में लिखा है कि जो कुछ धर्मी पुरुष करेगा मैं उसे सफल करूंगा। बिल्कुल। तो अपना रिश्ता परमेश्वर से रखें मजबूत, परमेश्वर से उस शांति को मांगे, परमेश्वर से उस बुद्धि को मांगे, परमेश्वर से उस योजनाओं को मांगे जो प्रभु ने आपके लिए रखी है। यर्मिया 29:11 में लिखा कि मेरे पास तुम्हारे लिए योजना है। प्रभु से प्रार्थना करें, उन योजनाओं को मांगे, प्रभु आपको जरूर मदद करेंगे। बिल्कुल सही बात है। और जैसे आज की डेट में अब ये हो गया है कि महिलाएं भी काम करने लग गई हैं, अब जो हाउस होल्ड है वो पति भी संभाल रहा है, पत्नी भी संभाल रही है, अब वो पार्टनर्स बन गए। तो कभी कभी होता है कि थोड़ा तुम कर लो, थोड़ा मैं कर लूँ, थोड़ा ऐसा ऐसा चलता है। तो जब ये चीज़ें चलती हैं तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन भी आती है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक पति अपनी पत्नी को ट्रीट कर रहा है उसके कुछ एस्पेक्ट्स चेंज हो जाते हैं। एक पत्नी जिस तरीके से उसे अपने पति की आज्ञा माननी चाहिए या उसकी इज्जत करनी चाहिए वो चेंज हो जाती है। उसे लगता है तो मैं भी घर में काम कर रही हूँ, मैं भी तो पैसे दे रही हूँ, तो वो ईगो दोनों का क्लैश होता है और उसे लगता है कि तुम मेरे अधीन रहो वो, और वहाँ से फिर शुरू होता है मारपीट। कई बार डोमेस्टिक वॉयलेंस आप देखेंगे कि आदमी कर रहा है, और ऐसी ऐसी लेडीज़ पर भी हमें देखने को मिलता है आजकल वॉयलेंस, जो पढ़ी लिखी हैं, काम कर रही हैं, और कई बार उल्टा होता है वो अपने पतियों पे कर रही होती हैं। तो जब ये चीज़ें आती हैं, यानी कि ये ईगो क्लैश हो रहा है, परमेश्वर ने अगर जिस तरीके से आज औरतों को भी सक्षम किया है काम करने के लिए, तो वो क्या संदेश होगा जो आप ऐसी दंपतियों को देना चाहेंगे जहाँ दोनों वर्किंग हैं? देखिए, ये जैसा कहा कि हर एक केस अलग हो सकता है। बिल्कुल। मान लीजिए कोई एक IPS ऑफिसर है जी, और पूरे जिले का जो है समस्या जो है क्राइम देखना, उसको संभालना है कि भाई कहाँ क्या झगड़ा चल रहा है, क्या आतंक मच रहा है। हाँ। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो एक उस पद पर बैठा है। पर वहीं अगर कोई एक छोटा व्यापारी है, वो अपनी दुकान के अंदर बैठा है, तो उसे तो अपनी दुकान देखनी है। सही बात है। वहीं एक जज है जो ऐसे पद पर बैठा है जिसे सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक दुनिया के लोगों के लिए निर्णय लेने निर्भर करता है। लेकिन अगर हम इसे ईश्वरीय दृष्टिकोण से देखें, बेशक मैं इसके पक्ष में हूं कि महिलाएं या बेटियां आगे आए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, यू नो पायलट बने, जो उनकी इच्छाएं, जो योजनाएं उनको अच्छा लगता है, उनकी एजुकेशन बढ़े। लेकिन मेरा एक सवाल है जी। हम इसे बार बार पति पत्नी के रिश्ते पर ले आते हैं। करेक्ट। आप एक डॉक्टर हो, बिल्कुल, आप अपने पिता को कैसे ट्रीट करोगे? उतनी ही इज्जत से, उनकी वजह से ही तो डॉक्टर। चाहे आप कितने बड़े डॉक्टर हो, करेक्ट, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, करेक्ट,
आपके पिता के प्रति जो आपकी इज्जत है वो कभी कम नहीं होगी। बिल्कुल। आपके भाई के प्रति नहीं होगी, कभी नहीं होगी, नहीं होगी। या आपके घर में कोई और बुजुर्ग हैं, दादाजी हैं। करेक्ट। तो ये कंपटीशन पति के लिए क्यों आ जाता है? वहीं क्यों आता है? एग्जैक्टली, दैट्स द क्वेश्चन। यस। अगर कोई स्त्री, कोई महिला ऊंचे पद पर है, अच्छा पैसा कमा रही है, तो जो इज्जत वो अपने पिता को देती थी या देती है, एक लाख रुपया कमाने के बाद में भी, करेक्ट, क्या वही इज्जत वो अपने पति को नहीं दे सकती? बिल्कुल सही बात है। सिंपल सी बात है। बिल्कुल। देखिए, स्त्री के लिए पिता, पति और भाई, और अगर वो विवाहित है तो उसका पुत्र, बेटा। हम बेटे का एक्चुअली एग्जांपल देना भूल गए। अगर वो 1 लाख रुपए महीना कमा रही है तो बेटे को, तो कैसे? बेटे को कैसे संभालती है? वो प्यार करती है, इज्जत देती है, उसकी चिंता करती है। लेकिन कंपटीशन, जेलसी नहीं होती, नहीं होती वहां पर। वो पति के साथ ही क्यों आती है? क्यों? क्योंकि वो अपना बेसिक नेचर भूल रही है, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू अपने पति का आदर करना। यस। अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर ही खराब कर दोगे, ये घर है इसकी नींव हिला दो, तो आपकी ये सारी डेंटिंग पेंटिंग, ये एसी, लाइट, पंखे, बिजली, सब सब नीचे गिरेगा। करेक्ट। तो ये परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर कभी किसी को सलाह नहीं देता। ये परमेश्वर की आज्ञा है कि तू अपने पति का आदर करना। यस। मैं एक चीज ऐसा मानता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, एक पति मेहनत करेगा, वो अपनी पत्नी के लिए सब कुछ करेगा अच्छे, अगर वो उसको प्यार करता है। करेक्ट। कोई नशेड़ी है, वो एक एक्सेप्शनल एग्जांपल हो गया। करेक्ट जी। ईद का चांद वाली बात हो गई, या वंस इन अ ब्लू मून वाली बात हो गई, कोई कठोर व्यक्ति होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, पुरुष जो है, वो अपनी पत्नी से प्रेम करता है, तो सब चीजें उसके लाद के रखेगा। करेक्ट। उसे अच्छे से अच्छा कपड़ा देगा, उसे घुमाएगा, ले जाएगा, उसकी चिंता करेगा। लेकिन इसके विपरीत ऐसा कई सर्वे में देखा गया है, अगर कोई स्त्री कमाने लग जाए तो वो सोचती है कि मैं तो अब कमाने लगी हूँ, मैं तो, मुझे तो फ्रीडम हो गई है ना। शायद धीरे 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 वो लव डिसअपीयर हो जाता है, वो रिस्पेक्ट, किसी किसी केस में, मैं सबके लिए नहीं कह रहा। जी 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 जी, बिल्कुल। क्योंकि हम केस स्टडी कर रहे हैं, केसेस फर्क है, हर कोई अलग अलग, हर कोई अलग है। तो ऐसा देखा गया है कि कोई स्त्रियां, महिलाएं अगर अच्छा पैसा कमा रही हैं, तो वो सोचती हैं कि हमें हस्बैंड की जरूरत नहीं है, तो वो फिर परमेश्वर के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, उन्हें आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल। तो जैसे आप अपने पिता को इज्जत देते हो, अपने आप भाई को इज्जत देते हो, अपने बड़े बुजुर्गों को इज्जत देते हो, ऐसे ही आप 1 लाख या 5 लाख रुपया कमाइए, अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट दीजिए। और मैं तो कहता हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर 1-2 लाख रुपया महीना कमा रही हैं, अच्छा कमा रही हैं, तो जो जिम्मेदारियाँ घर की वो जल्दी पूरी होंगी। बिल्कुल। और आप एक अच्छे घर में रह पाएंगे, अच्छी सुख सुविधाएं आपके पास में होंगी। तो आप पार्टनर बनिए, अच्छी बात है, लेकिन अपने बेसिक स्वभाव को मत भूलिए, भूलिए जो प्रभु की ओर से हमको दिया गया। करेक्ट। तो बेसिकली आप पार्टनर बनिए, कंपेटिटर्स मत बनिए। आप एक दूसरे को बनाइए, एक दूसरे के डेवलपमेंट कीजिए। एग्जैक्ट। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कीजिए, कंपटीशन मत कीजिए। कंपटीशन मत करिए, क्योंकि वो आपके राइवल नहीं है, परमेश्वर के द्वारा दिए गए एक ब्लेसिंग है, पति के लिए, पत्नी, माता के लिए, आप कह सकते हैं बच्चे, क्योंकि हमें खाली परिवार को एक ही रिश्ते में सीमित नहीं रखना, उसकी एक ब्रॉडर डेफिनेशन है, जैसे आचार्य जी ने हमें बताया। और हम कंपेटिटर्स नहीं हैं, हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए परमेश्वर ने एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया, तो उसके नियति के अनुसार हम चले। डिबोरा, मैंने बहुत से सेमिनार देखे, पति पत्नी को, यू नो, मैरिज सेमिनार। अच्छा जी। आप, मैंने बहुत से पढ़े हैं, कराए भी हैं। अच्छा। और किताबें भी मेरे पास में भी हैं। आपने कभी कोई सेमिनार देखा है कि हाउ टू लव योर पेरेंट्स? अभी तक कोई बुक देखी आपने? नहीं। हाउ टू टेक केयर ऑफ योर सिबलिंग्स? नहीं। तो बार बार परिवार की एक गलत भूमिका प्रस्तुत की जा रही है। परिवार केवल पति, पत्नी और बच्चे नहीं है। करेक्ट। वहां से आरंभ होता है। करेक्ट। क्योंकि परमेश्वर ने पति पत्नी को बनाया, उसके बाद वो रिश्ते बनते चले गए, तो वो रिश्ते ऐड हो रहे हैं ना। करेक्ट, करेक्ट। उसकी ब्यूटी बढ़ रही है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, परिवार का मतलब सिर्फ सोचते हैं लोग, मैं, मेरी पत्नी, दो बच्चे, हम सब कुछ छोड़कर अपने बुजुर्ग माता पिता को त्याग दें, अपने भाइयों को त्याग दें, अपने भाई के परिवार को त्याग दें, वहां जिम्मेदारी को देखे ही नहीं, और अपने बच्चों को लेकर अमेरिका, लंदन शिफ्ट हो जाएं, और हम आराम से ठंडे ठंडे एसी चलाकर बढ़िया पिज्जा खाएं और अपने बच्चों के साथ टीवी देखें, एंजॉय करें। दैट्स नॉट अ फैमिली। दैट्स नॉट अ फैमिली। आप जानते हैं, जब जरूरत होगी तो आप अपने माता पिता को ढूंढेंगे। बिल्कुल। जब आप बीमार होंगे तो आपका भाई दौड़कर आएगा। बिल्कुल
जो आपको हॉस्पिटल ले जाएगा, लाइन में खड़े होकर आपके लिए पर्चा बनाएगा। सही बात है। तो परिवार की, मैं ऐसा सोचता हूँ तमाम दर्शकों को मैं ये इस संदेश के द्वारा, जैसा मैंने कहा ये मेरी व्यक्तिगत सोच है, अगर ये आपके ऊपर लागू नहीं होती तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ सकते हैं। हर किसी की डेफिनेशन। मेरी डेफिनेशन ये है कि ये माता पिता से शुरू होता है। बाइबल में लिखा है तो अपने माता पिता का आदर करना। यस। और अगर आपकी पत्नी है आप उसके माता पिता का भी आदर कीजिए, मतलब आप अपने इन-लॉज का आदर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक इसी तरह अगर आप विवाह होकर घर में आई हैं तो ये आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि जो इज्जत मान सम्मान आप अपने माता पिता को देते थे वही इज्जत मान सम्मान आप अपने सास ससुर को दें। वेरी ट्रू। तब परिवार बनेगा। वेरी ट्रू। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ आप अपने पति को देखते रहें, उसकी सैलरी उसे लेके घूमते रहें, खाते पीते रहें, मस्ती करते रहें, और आपके सास ससुर और आप आपके पति के भाई बहन वो मरे, वो जंगल में जाए, उनका भला ना हो, वो बहुत गलत है। ये ईश्वरीय परिभाषा नहीं हो सकती। करेक्ट। प्रभु ने क्या कहा, देखिए उत्पत्ति की पुस्तक में पति पत्नी थे, लेकिन निर्गमन उसके 20 अध्याय में प्रभु ने क्या कहा, अपने माता पिता का आदर करना। यहां तक कि यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, when he was dying, yes, जब उनके अंत का समय आया है, उन्होंने अपनी माँ के लिए पत्रस से कहा कि ये तेरी माँ है। आप समझ रहे, जिम्मेदारी उठाई। तो ये परिवार की ब्रॉडर डेफिनेशन है। Correct. तो ये फैमिली सेमिनार पति पत्नी का ही नहीं होना चाहिए, बल्कि दुनिया को, जवान बच्चों को, मैरिड कपल, yes, को ये भी जानना चाहिए हाउ टू टेक केयर ऑफ योर इन-लॉज। एब्सोल्युटली। अपने इन-लॉज को आप आदर दीजिए, उनकी सेवा कीजिए, तब एक अच्छा मजबूत परिवार आपका बनेगा। आपने ये जो बात बताई उसी से मुझे एक और चीज़ याद आती है। आप ट्रैवल करते हैं, आप जाने ही ट्रैवल के लिए जाते हैं क्योंकि आपकी ट्रैवलिंग मिनिस्ट्री, और हम देखते हैं कि आपके वीडियोस में आप बहुत हाई फाई लोगों के साथ में हैं, तो आप खेतों में भी, तो आप किसानों के साथ में रोटी भी खा रहे हैं, आप बड़े बड़े लोगों मंत्रियों के साथ में बैठे हैं। आज की डेट में इंडिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जब भी हम किसी को ये बोलते हैं ना, हम आपके लिए दुआ कर दें, प्रार्थना कर दें, कहते हैं आ गए कन्वर्ट करने के लिए, आ गए हमारा धर्म परिवर्तन करने के लिए, जबकि मसीहत पर प्रभु यीशु मसीह धर्म परिवर्तन के लिए आए ही नहीं थे। तो आप आज जितने लोग देख रहे हैं उनके लिए इस बात को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज की डेट में प्रार्थना कर देंगे यही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया है। देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है जी। इसके लिए मुझे अलग से आधा घंटा चाहिए जी जी। लेकिन चूंकि आपने सवाल इंटरव्यू में रख दिया है तो मेरी जिम्मेदारी है कि इस पर मैं अपने विचार रखूं जी जी। डबोरा एक बात याद रखिएगा, सोते हुए व्यक्ति को आप जगा सकते हैं, पर जो सोने का नाटक कर रहा हो आप उससे नहीं उठा सकते। बिल्कुल सही बात है। जो सो रहा हो वास्तव में आप उसे कह सकते हैं भैया उठो, 5 बज गए, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, काम पे जाना है। सही बात है। 7 बज गए, उठो, काम पे जाना है, आपकी ट्रेन है, बस है जी। पर जो सोने का नाटक कर रहा हो नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते। ठीक इसी तरह आज जो व्यक्ति ईश्वर से प्रेम नहीं रखता, उसकी आध्यात्म में रुचि नहीं है, वो आपकी प्रार्थना को ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि वो आध्यात्मिक है ही नहीं। जैसे चुंबक चुंबक को खींचता है, लोहे चुंबक को खींच, उनकी एक प्रकृति है। एक आध्यात्मिक, जैसे एक शराबी शराबी को खींचता है, बिल्कुल ठीक है, एक संगीतकार संगीतकार को खींचता है जी। तो अगर कोई व्यक्ति ईश्वर में रुचि रखता है तो वो उसके साथ संगति करेगा, पहली बात जी। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह यहूदी थे, उन्होंने पूरी बाइबल में किसी यहूदी धर्म का प्रचार नहीं किया। बिल्कुल। यीशु मसीह का जन्म इज़राइल में हुआ, रोम में नहीं हुआ, इंग्लैंड में नहीं हुआ। तो गलत इंफॉर्मेशन भी जो मीडिया में पास हो चुकी है, गलत है, गलत इंफॉर्मेशन, बिल्कुल उसके द्वारा रुकावट है। बिल्कुल। या दूसरे शब्दों में कहूं कि ये प्रोपोगंडा फैलाया गया है। यस, ये प्रोपोगंडा। चूंकि मैं बाइबल का छात्र भी रहा हूं और दर्शन का भी छात्र रहा हूं जी। दर्शन में लिखा है प्रेम धर्म का मूल है, पाप मूल संताप, जहां दया वहां धर्म है, जहां क्षमा वहां आप, जहां प्रेम है, जहां दया है, जहां क्षमा है, वहां परमेश्वर है। और प्रेम दया और क्षमा का समीकरण प्रभु यीशु मसीह, वो जीवित है, मृत्यु पर जीवंत है, इसलिए हम उसके नाम से प्रार्थना करते हैं। और लाखों करोड़ों लोग, ऐसा नहीं है, जो लोग नेगेटिव हैं वो केवल 5% है, पर इस भारत के अंदर लाखों करोड़ों अरबों लोग प्रभु का आदर करते हैं, प्रेम करते हैं, पूरे विश्व के अंदर उसकी महिमा, उसके गीत गाए जाते हैं। तो ये बड़ा विषय है, मैं इसको, क्योंकि समय की सीमा है, बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आप अपना काम कीजिए। बारिश आती है, जिसको बारिश चाहिए उसको मिल जाती है। खेतों में जब बारिश पड़ती है ना तो किसान खुश होता है, क्योंकि उसको चाहिए है,
और आप सोच रहे हो यार मेरा तो क्रिकेट खेलने का प्लान था वो चौपट हो गया, तो आपको नहीं चाहिए, आप प्रार्थना कीजिए, जिसको चाहिए होगी उसको मिल जाएगी। बाइबल में लिखा है जिसका कल्याण होना होगा उसका हो जाएगा, और जिसका नहीं होना होगा वो कल्याण वापस आ जाएगा। बिल्कुल सही, आप तो अपना काम कीजिए। बिल्कुल, यही मेरी सलाह है आपको, ना डरने की जरूरत है ना छिपने की जरूरत है। लोगों से पूछे, प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है प्रकाशित वाक्य 3:20 में, मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूँ, दरवाजा तोड़ा नहीं उसने, खटखटा रहा है। तो अगर किसी को प्रार्थना की जरूरत है तो आप कीजिए, कोई आपका दरवाजा खटखटा रहा है या आप किसी से कहते हैं डू यू नीड प्रेयर्स, कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, अपने घर आ जाइए, क्या दिक्कत है। एक चीज़ अक्सर लोगों, अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, इसी के साथ में मैं इसको ख़त्म करूँगी। एक वीडियो वायरल हुआ, बच्चे से पूछा जाता है कि क्यों मानती हो यीशु मसीह को, क्यों दुआ करती हो यीशु मसीह से, और उसकी मम्मी कंप्लेंट कर रही है उस बच्चे की कि ये यीशु मसीह के नाम से दुआ करती है, प्रसाद नहीं खाती है वो, और बहुत कुछ बोल रही है वो। तो बच्ची बताती है और पूरा भजन संहिता एक बता देती है। अब वो वीडियो मैंने भी देखा जी, तो सब पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन जब बात होती है व्हाई जीसस, वो महाराज जी जो है वो जानते ही नहीं प्रभु को, उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी ना उन्होंने दर्शन पढ़ा, छोड़िए बाइबल, मैं कहता हूँ उन्होंने दर्शन नहीं पढ़े। हमारे भारत में 9 दर्शन है जिसमें से 6 आस्तिक हैं, 3 नास्तिक हैं। जो नास्तिक दर्शन है उसमें एक दर्शन है चारवाक दर्शन, वहां लिखा है यावत जीवत सुखत जीवत ऋण कृतवा घृत पीवते, यानी कोई ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, खाओ पियो मौज करो। कहा हमारे भारत के 9 दर्शनों में एक दर्शन है जहां पर ईश्वर नहीं है, उसके बारे में उस व्यक्ति को ऋषि कहा गया, ऋषि चारवाक कहा गया। मैंने दर्शनों का अध्ययन किया इसलिए आपको बता रहा हूं जी। तो भारत का दर्शन तो बहुत व्यापक है, विश्व कुटुंब के नमा विश्व को लेकर चलने वाला दर्शन है। अगर कोई चीज विश्व के किसी कोने से किसी समाज के लिए मनुष्य के लिए अच्छी है तो सबके लिए अच्छी है। तो प्रभु यीशु मसीह, आपने पढ़ा ही नहीं प्रभु के बारे में, आप पढ़ लो तो आप जानोगे। जिसकी महिमा स्वामी विवेकानंद कर रहे हो जी, जिसकी महिमा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने की, आप उसका विरोध कैसे कर सकते हैं? महात्मा गांधी ने उनकी महिमा गाई है जी। आप भारत के तमाम तत्वदर्शियों को उठाकर देखिए, राजा राम मोहन राय, ब्रह्मपाद उपाध्याय, नारायण वामन तिलक जी, पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी, साधु सुंदर सिंह, पंडिता रमाबाई जी, जैसे आचार्य दया प्रकाश जी जैसे महान तत्वदर्शी जिन्होंने दर्शन का अध्ययन किया, उन्होंने प्रभु की महिमा लिखी है, महिमा गाई है। तो इस तरीके के जो बाबा हैं उन्हें कुछ पता नहीं, उन्होंने क्योंकि दर्शन का अध्ययन कुछ किया नहीं। वो तो ऐसे ऐसे, अभी पिछले दिनों एक वीडियो आया था कि आप जो है पत्ता लेकर जो है वो लगा दीजिए तो आप पास हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो ये हमारे भारत देश में चल रहा है बिल्कुल, पर हम ऐसे लोगों के लिए सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा विश्वास है प्रभु में वो सत्य, पूरे विश्व ने यीशु को स्वीकार किया है, पूरे विश्व ने। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, किसी शहर में चले जाइए, किस दुनिया के, चाइना, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बर्मा, टर्की, स्पेन, श्रीलंका, हॉलैंड, पोलैंड, कहीं चले जाइए, दुनिया के हर एक गांव के अंदर, शहरों के अंदर प्रभु की महिमा है। बिल्कुल। तो ये तो वो लोग हैं जिन्हें जिन्हें ना तो बाइबल पता ना दर्शन पता। बिल्कुल सही बात। इसलिए वो ऐसी बातें, भ्रामक बातें समाज में कह देते हैं, उनसे इनको पॉपुलरिटी मिल जाती है, वो ट्रेंडिंग हो जाता है, वो ट्रेंडिंग हो जाता है, पर वो ट्रेंडिंग ज्यादा दिन चलता नहीं। बिल्कुल सही बात है ना, जो सत्य है वो सनातन के लिए है, जो असत्य झूठ है वो पल भर का है। आपने कुछ ही मिनटों में हमारा और हमारे दर्शकों का आज व्यापक तरीके से कहें तो सही मायनों में परमेश्वर की बताई हुई लाइफ के बारे में हमारा जो एक नज़रिया है उसको और ज़्यादा ब्राइटन किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दर्शकों, एक बहुत ही अच्छी चीज़, जब तक पूरा सत्य ना पता हो आप किसी निष्कर्ष तक मत पहुँचिए, क्योंकि जैसा आपने बताया, तुम सत्य को जानो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा, यही बाइबल कहती है। और परमेश्वर यीशु मसीह का नाम लेना, कन्वर्ट करना नहीं है। इस भ्रम से बाहर निकलिए, इस असत्य से बाहर निकलिए, और जिस तरीके से आचार्य जी ने बताया, अगर आप सच में जानना चाहते हैं दर्शनों के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे ईमेल पर ज़रूर हमें रिप्लाई करिए। अगर आपके पास कुछ प्रश्न है आचार्य जी के लिए तो आप स्क्रीन पर आ रही डिटेल्स को फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं ताकि आचार्य जी खुद आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। इसके साथ साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं, लेकिन इससे पहले कि आप लोगों से विदा लें, हमारे पास एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट है आपके लिए, एक छोटा सा सरप्राइज है जिसे हम रैपिड फायर राउंड कहते हैं, और उसी के साथ फिर हम आज के शो से आपको बोलेंगे कि हाँ आज के लिए होगा। तो आप तैयार हैं? बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा। ओके, थोड़े क्वेश्चंस ऐसे हैं तो आपको फटाफट आंसर देना होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, समाज या सत्य? ऑफ कोर्स सत्य। आपका पसंदीदा खाना?
मटर पनीर, चावल, राइस और मटर पनीर। ओके, आपका फेवरेट हॉलिडे स्पॉट? या मैं कह सकता हूँ न्यूजीलैंड। आपकी फेवरेट कंट्री? या भारत, नंबर वन। फेवरेट बिब्लिकल कैरेक्टर? ऑफ कोर्स बहुत सारे कैरेक्टर हैं, लेकिन अगर एक कैरेक्टर की बात की जाए तो मैं पौलुस को पसंद करता हूँ, संत पौलुस को। आपकी फेवरेट बाइबल वर्स? भजन संहिता 146:5, धन्य है जिसका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है। वाओ, ऐसी कौन सी बुक है जिसने आपका नजरिया बदल दिया? या बाइबल ऑफ कोर्स, पूरी जिंदगी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी भाई। ट्रू, सब कुछ बदल दिया, मतलब बाइबल नंबर वन। अगर कोई ऐसी लैंग्वेज हो जो आपको बहुत ही मास्टर करना हो जिस लैंग्वेज में, कौन सी होगी? हिंदी के तो आप मास्टर हैं हम जानते हैं, कोई और लैंग्वेज? आई थिंक हिंदी के पैरेलल संस्कृत मुझे अच्छी लगती है, और अगर किसी लैंग्वेज में मैं मास्टरी करना चाहूँ तो आई थिंक मैं जापानीज लैंग्वेज सीखना चाहूँगा, जापान के लोगों को प्रभु के बारे में बताना चाहूँगा। वाओ, आप बहुत अच्छे ट्रैवलर हैं। आपका नेक्स्ट ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन? यहाँ से कहीं, हाँ अगला जहाँ पे आप जा रहे हैं? मैं आज जो है रात को हांगकांग जा रहा हूँ। वाओ। और अगर आपकी जीवनी लिखी जाए, ऑटोबायोग्राफी, तो उसका टाइटल क्या होगा? या बिल्कुल लिखें आप, एक था विकास। एक है विकास भी लिख सकते हैं। अगर भविष्य में लिखेंगे तो फिर एक था विकास ही हो जाएगा। अगर बाइबल के किसी कैरेक्टर को आपसे, आपने उससे मुलाकात करनी हो तो वो कौन सा होगा जिससे आप डीप कॉन्वर्सेशन करना चाहेंगे? ये बड़ा टफ क्वेश्चन है भाई, क्योंकि वहाँ तो 10,000 लोग हैं भाई, एक से बढ़कर एक। लेकिन हाँ, मैं आई थिंक नोहा से मिलना चाहूँगा। आप एक्चुअली पूरा वहीं चले गए जहाँ से शुरुआत हुई। हाँ जी बिल्कुल, नोहा इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। उसके बारे में लिखा है, नोहा ने वो किया जो परमेश्वर ने उससे कहा, और 120 साल तक वो परमेश्वर की आज्ञा मानता रहा। 120 ईयर्स तक उसने वो काम किया जो परमेश्वर ने उसे दिया। अमेजिंग कैरेक्टर। आपकी एक बेस्ट हैबिट जो आपको बहुत पसंद है अपने बारे में? हैबिट थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस, वेरी गुड। हेल्थ को लेकर थोड़ा मैं पॉजिटिव रहता हूँ और कोशिश करता हूँ मैं वही चीज़ें खाऊँ जो मेरे लिए ठीक हो। वेरी गुड। एक सुपर पावर जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हो, अगर चूज करने का मौका है? हाँ, अगर ऐसी कोई सुपर पावर है तो फिर मैं थोड़ा चिड़ियों के समान आसमान में उड़ने की कोशिश करूंगा, फ्लाइंग करूंगा, पूरे उड़ते हुए पूरे संसार को देखें। अमेजिंग। वाओ, एंड वो भी ट्रैवल से ही रिलेटेड है? वो भी ट्रैवल से है। ट्रैवल, प्रभु ने मुझे कहा मैं तुझे दूर दूर देशों में भेजूंगा, जाति जाति के लोगों में मैं तुझे, तो वो मेरे लिए प्रतिज्ञा है, प्रभु ने कहा है। प्रेरितों के काम 22:21। ब्यूटीफुल। और हम यही प्रार्थना करते हैं, यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपको और ज़्यादा इस्तेमाल करे और जगह जगह लेकर के जाए, क्योंकि अभी परमेश्वर ने अपने वचन में कह रखा है कि जगत के अंत तक सुसमाचार प्रचार होगा। तो हम यही चाहते हैं कि आपके द्वारा कई लोग परमेश्वर के गले में शामिल हों। आप जिस तरीके से लोगों के बीच में एजुकेशनल वैल्यूज़ गुरुकुल के द्वारा कई लोग जानते हैं, गुरुकुल के द्वारा आप लोगों तक। बिल्कुल, मैं गुरुकुल के बारे में यही कहूँगा, हम लोग जगह जगह गुरुकुल के क्लासेस करते हैं। भारत का इतिहास, भारतीय संस्कृति, भारतीय जो दर्शन है या भारत के जो मूल्य हैं, भारत एक बहुत सुंदर देश है और इसके बारे में हम आगे चलकर दूसरा कोई वीडियो बनाएंगे विशेष भारत को ध्यान में रखते हुए। तो गुरुकुल में हम भारतीय संस्कृति, भारतीय विचारधारा, मूल्य, भारत के आधार, आदर्श और आध्यात्म, और उसके साथ साथ जो है परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र, बाइबल की गहन अध्ययन और शिक्षा जो है प्रभु यीशु मसीह के अध्ययन को हम करते हैं, और बहुत लोगों को लाभ मिलता है। जगह जगह ये क्लासेस होती हैं और स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं आप इस पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा अधिक जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल। और आज के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें समय दिया और दर्शकों को इतनी अच्छी और इतनी ज़्यादा गहरी बातें आज हमें बताई। बिल्कुल, मैंने जो कुछ कहा, जैसे मैंने कहा डिबोरा, मैंने दिल से कहा और मैंने बिल्कुल भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, सोच के नहीं बोला, मैंने जो कुछ कहा अपने मन से कहा, और हो सकता है कि मेरी विचारधारा आपके काम में आए। और कभी कभी एक चीज़ और है, कभी कभी विचारधारा आज नहीं अच्छी लगती, बाद में काम आती है, बाद में अच्छी लगती, तो भविष्य में कभी काम आए तो भी ठीक है, अच्छी बात है। आपको रिप्ले करके देखेंगे, रिप्ले करके देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार आपको तुरंत चीज़ें समझ में आ जाती हैं, कई बार कई महीने साल लग जाते हैं आपको उस बात को समझने के लिए, क्योंकि वो बात का अर्थ क्या था, उस बात का मूल्य क्या था। अभी जो बातें हमने पारिवारिक की हैं, वो जिनकी शादी नहीं है उनके मतलब की नहीं है, ठीक है, और बहुत से लोग हैं उन्हें स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं, उनको तो बस खाना है। तो हो सकता है जीवन में कोई मोड़ आए जब आपको इस विचारों की आवश्यकता हो, तो अच्छी बात है। वचन में लिखा है कि तुम अपने मोती जो है वो बिखेरो, जिसके काम के होंगे वो ले जाएगा,
जिसके काम के नहीं होंगे वो नहीं लेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गई। और ये बहुत ही सच बात है कि आप अपने ज्ञान के मोती हर जगह नहीं डाल सकते। धन्यवाद बहुत बहुत आचार्य जी आज के समय के लिए। और दर्शकों भूलिएगा मत, हम अगली बार फिर परमेश्वर के वचन से दोबारा आपसे रूबरू होंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रश्न है, स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर जरूर हमें संपर्क करें। प्रभु आपको आशीषित करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।